नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर देश में फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर भाजपा सुंदरनगर द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक राकेश जम्बाल ने NRC कानून को कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में फैलाई गई भ्रांतियां और हिंसा पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंसा में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में मोदी सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णयों के कारण उपजी कुंठा के कारण कुछ विरोधियों ने ये हिंसा करवाई है। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों द्वारा देश और समाज को तोड़ने की मंशा का विरोध करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी ओछी राजनीति से देश में भय और हिंसा का माहौल फैलाया गया है। राकेश जम्बाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में देश के नागरिकों को जानना जरूरी है। उन्होंने इस संशोधन को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि 2014 से पूर्व पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आए उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया है। वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थियों के लिए ये अधिनियम सपने के पूरे होने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर ने आज यहाँ नागरिकता संशोधन कानून 2019 उस विषय को लेकर आज यहाँ पर जनता को जागरूक किया गया, कि संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको लेकर देश में अनेकों प्रकार की विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है, दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। इस प्रकार से एक अशांति का माहौल देश में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। लेकिन इस कानून के अंदर असली बात क्या है, आज हमने जनता को यहां पर यह सारी बात बताई। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये इन देशों से जो अल्पसंख्यक वहां से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनके लिए इस अधिनियम में, इस कानून में प्रावधान किया गया है।